फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने संविधान पढ़ा था। संविधान के कैसे बना और क्यों बना, कब बैठक हुई, प्रथम बैठक हुई थी, यह हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने संविधान का भाग पढ़ा था, एक अनुच्छेद 1 से 4, इसमें राज्यों के बारे में बताया गया है। दूसरा भाग 2 पढ़ा था हमने, अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता का जिक्र है। भाग 3 पढ़ा था हमने, 12 से 35, इसके अंदर हमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं। भाग 4 पढ़ लिया था, 36 से 51, जिसके अंदर हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व वे होते हैं जो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हेल्प करते हैं। भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंदर आते हैं, इसके अंदर हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए थे। इसके बाद हम देखते हैं भाग 5। हमने भाग 5 स्टार्ट कर रखा था, अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसके अंदर हम पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले 52 से 78 तक पढ़ेंगे। 52 से 78 तक हमें दी गई है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां कौन सी हैं वो देखते हैं हम। इसके अंदर दी गई है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद हमारे पास प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये हमें कार्यकारी शक्तियों में पढ़ने हैं, अनुच्छेद 52 से 78 में, जो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर हमने राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया था, उपराष्ट्रपति हमने कवर कर लिया था। इसके आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री का टॉपिक, जिसके अंदर से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। कुछ अनुच्छेद हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ पूर्व के प्रधानमंत्री हैं जिनसे क्वेश्चन लगभग लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अंदर सबसे पहले आता है अनुच्छेद 74। 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह बताया गया है। मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्रिपरिषद का मुखिया ही, मंत्रिपरिषद का प्रधान ही प्रधानमंत्री कहलाता है। इसके अंदर हमें अनुच्छेद 74 में एक बात और बताई गई है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं लेता। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी जरूरी है। मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को सलाह लेनी जरूरी है, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो डायरेक्ट तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ही सलाह लेगा। ये बताया गया हमें अनुच्छेद 74 में। इसके बाद हमारे पास आता है नियुक्ति। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की नियुक्ति। एक क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं या प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। None of these, फोर्थ ऑप्शन होता है none of these। यह क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित या none of these, इनमें से ऑप्शन में से हमें चूज करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो निर्वाचित करते हैं, कुछ मनोनीत करते हैं, लेकिन इनका ये आंसर गलत होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, नियुक्तिकर्ता कौन है प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है हम देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य पर राष्ट्रपति की नियुक्ति में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। उसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा से होती है, राज्यसभा से नहीं होती, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता। लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सहयोग करते हैं। एक क्वेश्चन यह आता है कि अगर लोकसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं तो क्या राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हाँ, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, उसको बस नियुक्ति के लिए लोकसभा के सदस्यों से बहुमत पाना जरूरी है, लोकसभा के सदस्यों से बहुमत मिलना जरूरी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा से आए थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे, दोनों ही राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बने थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाता है कि इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। नॉर्मली लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री के ही। प्रधानमंत्री में इसके बाद हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये किस अनुच्छेद में बताई गई है। 75 ए में हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर लोकसभा से किसी भी प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से अपनी मर्जी से कोई भी राष्ट्रपति को, किसी भी बड़ी पार्टी के नेता को राष्ट्रपति बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। ये क्वेश्चन सभी को पता होता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें अभी डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि
सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कब से कब तक? 1947 से 1964 तक का कार्यकाल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा बार लाल किले पर संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो 17 बार लाल किले पर संबोधित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुछ भी लगा लो, पहली कोई भी घटना, प्रथम प्रधानमंत्री, पहली कोई भी घटना लगाते हैं हम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुई थी। जैसे पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर पहली बार लोकसभा राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुआ था। उसके बाद पहले प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं और पहली बार निर्वाचित और मनोनीत प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल ही रहे हैं। मनोनीत प्रधानमंत्री और निर्वाचित प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। इसके बाद सिर्फ एक प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है। उनका नाम है वीपी सिंह। वीपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। वीपी सिंह के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और पारित हो गया। इसके बाद क्वेश्चन बनता है हमारे पास, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद एक बार और किया गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तब भी गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कुछ, प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। कार्य से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसको हम देखते हैं, संवैधानिक प्रमुख यानी संविधान में किसको प्रमुख बताया गया है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बताया गया है। इन्हीं के सिग्नेचर से सभी विधेयक पारित होते हैं, यही सब कार्य करते हैं। लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री कैसे होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करने से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो डायरेक्ट तौर पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सभी कार्य करने पड़ते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। इस तरह से इससे हम देखते हैं कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री।
अब हम कार्य डिस्कस करते हैं। कार्य क्या है प्रधानमंत्री के? हाँ किसी भी गैर संवैधानिक आयोग का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। गैर संवैधानिक आयोग का मुखिया, ये कैसे हम देखते हैं गैर संवैधानिक क्या होता है? गैर संवैधानिक वह आयोग होता है जिसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया जाता। गैर संवैधानिक जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता उसका मुखिया, जैसे हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग को पहले नाम दिया जाता था योजना आयोग, लेकिन अब इसको नीति आयोग बोलते हैं। नीति आयोग का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक आयोग के प्रमुख या मुखिया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्री परिषद की सलाह पर, और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य रहता है। संवैधानिक आयोग के मुखिया, संवैधानिक आयोग होते कौन से? जैसे कैब हो गया, यूपीएससी हो गया, इस तरह से इनके मुखिया, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य रहता है। राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, सलाह देते हैं प्रधानमंत्री। इसी तभी तो प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख कहलाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे उपाधियों की स्वीकृति भी वैसे तो राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर दिए जाते हैं। इसीलिए वास्तविक प्रमुख तो होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रमुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का भी कोई पद है या नहीं भारत के संविधान में। उपराष्ट्रपति का, उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं दिया गया भारत के संविधान में। उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं दिया गया, लेकिन समय समय पर जरूरत पड़ने पर उप प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। एक आज तक टोटल 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। टोटल 7 रह चुके हैं, पहले रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 7th नंबर के कौन से हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी 7th नंबर के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और पहले ऐसे उप प्रधानमंत्री कौन थे जो गैर कांग्रेसी थे? गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी रहे हैं, और मोरारजी देसाई ही ऐसे उप प्रधानमंत्री रहे हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री
बने, प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। ऐसे एक एकमात्र उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बाद में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। आज के लिए हमने पढ़ लिए थे प्रधानमंत्री, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।